मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेत्री और खरगोन विधायक डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो शुक्रवार को इंदौर पहुंची। पत्रकार वार्ता में साधो ने मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मध्य प्रदेश सरकार गूंगी बहरी हो गई है, जो कुछ भी सुनना ही नहीं चाहती। विधानसभा सत्र को 3 दिन चलाने के बजाय मात्र 3 घंटे में ही खत्म कर दिया। साधो ने कहा कि विधानसभा में विधायकों को अपनी बात करने का अधिकार है, लेकिन सत्ता पक्ष चर्चा करने से घबराता है। मीडिया ने जो आईना दिखाया उसी आधार पर कांग्रेस आवाज उठा रही है। 9 से 12 अगस्त तक विधानसभा सत्र था, लेकिन मात्र कुछ घंटों में संपूर्ण सत्र खत्म कर दिया गया। साधो के मुताबिक, हम जनता से जुड़े मुद्दे सदन में उठा रहे थे, लेकिन सरकार सत्र से भाग खड़ी हुई और यही कारण है कि 3 घंटे में सत्र खत्म कर दिया गया। लोकसभा में चर्चा ना हो पाने के मुद्दे पर साधो ने बताया कि वे खुद 2010 से 2016 तक राज्यसभा सदस्य थीं। तब विपक्ष में बैठी भाजपा ने लोकसभा और राज्यसभा नहीं चलने दी, लेकिन आज हमारी पार्टी विपक्ष में है। हम ध्यान आकर्षण करें, लेकिन भाजपा जनता के बीच सत्र नहीं चलाने देने का आरोप लगा रही है। साधो ने खुला आरोप लगाते हुए कहा कि 10 फुट गड्ढा प्रदेश में कहाँ है शिवराज जी। इसके विपरीत राजनीतिक संरक्षण के माध्यम से नेमावर की घटना में एक ही आदिवासी परिवार के 5 सदस्यों को 10 फीट जमीन में जरूर गाड़ दिया गया। ओबीसी के मुद्दे पर साधु ने कहा कि दिग्विजय सिंह की सरकार में ओबीसी आरक्षण 24 से 27% किया गया। बाद में आपकी ही भाजपा सरकार ने ही आरक्षण नीति बदलकर उसे कम किया था, लेकिन कमलनाथ ने आते ही फिर से 27% किया। अब आप अपने ही जाल में फंस चुके हो। जी की सरकार सौदा करके बनी, पहला सत्र इन्होंने 24 मार्च से 27 मार्च की बुलाया था, 3 दिन का चला है, कितने दिन, 1 दिन। दूसरा सत्र इन्होंने 17 दिसंबर 2020 से 17 जनवरी 2021 तक चलाया था, बीच होना था, नियम के मुताबिक 32 दिन चलना था, चला है कितना, 6 दिन। तीसरा सत्र मानसून का सितंबर 2020 में हुआ, सिर्फ 3 दिन का सत्र बुलाया था, वो भी 1 ही दिन चला। बजट सत्र जो अभी का था, 33 दिन का सत्र इन्होंने बुलाया, चलाया कितने दिन, 22 फरवरी से 26 मार्च 2021 के बीच का था, 33 बैठकें होनी थी, चलाया सिर्फ 13 दिन। अभी जो 9 से 12 अगस्त से 2021 को सत्र होना था, चलाया कितने दिन, 3 घंटे, जो 4 दिन का सत्र था। फिर उसमें हमने जो आवाज उठाई और सत्र कौन से दिन चलाया इन्होंने, स्टार्ट किया 9 अगस्त को राष्ट्रसंघ ने आदिवासी दिवस घोषित किया है, जिसमें 1984 में किया है, जिसमें 193 देश उपस्थित थे, राष्ट्रसंघ ने उसमें आदिवासी दिवस घोषित किया है 1983 में। जब विश्व संघ जो हमारा प्लेटफॉर्म है सभी राष्ट्रों का, क्यों जाते प्रधान, जब उसको मानना ही नहीं है तो प्रधानमंत्री क्यों जाते वहां भाषण देने। जब विश्व आदिवासी दिवस घोषित किया तो आपने उसी दिन सत्र आहूत किया विधानसभा का, क्योंकि एमएलए लोग अपने अपने विधानसभाओं में, जो आदिवासी एमएलए हैं, जो हम लोग हैं, वहां जाके उत्सव नहीं मनाए। आदरणीय कमलनाथ जी ने सरकार में आते ही उस दिन अवकाश घोषित किया, अवकाश घोषित करने के साथ साथ उन्होंने ब्लॉकों को राशि आवंटित की, जाकि आदिवासी अच्छे से अपना उत्सव मना सके। इसके साथ साथ उनको बर्तनों की व्यवस्था की, ये सब आदरणीय कमलनाथ जी ने व्यवस्था की थी।